जय श्री राम, जय गौ माता। मैं मंडल सचिव योगी राकेश नाथ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो ये यूपी रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टरों ने लूटपाट मचा रखी है, ये बहुत ही गलत है। माननीय महोदय योगी जी, आपसे मुझ मेरे ये अनुरोध है कि आप हर हाईवे पे अपना यूपी गवर्नमेंट का खुद का ढाबा टाइप बनाइए, ताकि जिसमें बस रुके और यात्रीगण अपना सुविधा अनुसार सामान ले सके। क्योंकि ये रोडवेज वाले जानबूझकर ऐसे ढाबों पर बसों को रोकते हैं जहां पर हर चीज डबल रेट में मिलती है, सिगरेट से लेके और खाने से लेके कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, हर चीज, आइसक्रीम, सब जो भी चीज सामान उस ढाबे पे मिलेगा या तो ज्यादा रेट में मिलेगा या तो फिर और दूसरी बार डुप्लीकेट क्वालिटी का मिलेगा। बस इनको क्या लालच होता है, इनको लालच होता है कि इनको वो लोग फ्री में खाना दे खिलाते हैं ढाबे वाले। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, उन्हें फ्री में खिलाएं या नहीं खिलाएं, आप भी उन कैंटीनों में उनके ड्राइवर और कंडक्टर के बेशक फ्री कर दीजिए, मगर जो सरे आम लूट घसूट हो रही है आम जनता से, ये बहुत ही गलत हो रहा है महोदय। क्योंकि वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई ऐसे लोगों को देते हैं और मजबूरी में वो क्या करेंगे, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे का सफर होता है, उसमें जब वो बस ड्राइवर रोकता है उसी जगह पर रोकता है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। महोदय ये बहुत ही गलत हो रहा है, जानबूझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं और पब्लिक ना चाहते हुए भी इन्हें वहां पे सामान सब खरीदना पड़ता है। और महोदय यही नहीं, कंडक्टर लोग जानबूझ के, चाहे उन्हें कोई भी टाइम हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, उन्हें वो सिर्फ खाना देते हैं या पैसे भी देते हैं, क्या करते हैं मुझे, हर बस एक ही ढाबे पर सारी बसें, रोडवेज की जितनी भी बसें होंगी उस रूट से निकल रही होंगी, एक ही ढाबे पर सारी रुकेंगी, अलग अलग ढाबे पर कोई नहीं, और उनके ढाबे फिक्स रहते हैं। सिर्फ अपने खाने के चक्कर में वो लोग ये नहीं देखते कि गरीब आम आदमी, गरीब जनता जो इतना मुश्किल से, जिनके पास पैसे नहीं है सफर में अच्छी तरह जाने के या एसी बस करने के या अपना कोई टैक्सी या अपनी प्राइवेट व्हीकल से जा सके, इतने गरीब लोग जो मुश्किल से 200-250 रुपये इकट्ठा करके अपना कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं या कहीं आना जाना होता है उन्हें, उनके साथ ये जानबूझकर ऐसे लूट घसूट करवाते हैं। महोदय आप कृपया इस पे संज्ञान ले। जय श्री राम, जय गौ माता।